बेबी फीडर की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। बेबी फीडर का मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ है 12 इंच और चेस्ट है 18 इंच। फुल लेंथ लेने के लिए प्लस सी ब्लाउज, फुल लेंथ हमारी 12 इंच है, सी ब्लाउज हम इसमें 1 इंच लेके चलेंगे, टोटल हो जाएगा हमारा 13 इंच। हम लेंथ लेंगे 13 इंच, टोटल लेंथ हुई हमारी 13 इंच। चेस्ट है 18, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। चेस्ट हमारी 18 है, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.5 आएगा। 4.5 इंच में 1.5 इंच प्लस करोगे टोटल आएगा 6 इंच। ये हमारी जो फीडर की विड्थ निकल के आई, यहां से हमने चेंज पे निशान लगाया, चेंज पे ही हम नीचे निशान लगाएंगे। चेंज चौड़ा और 13 इंच लंबा, इस तरीके से हमने निशान लगाए। 13 इंच फीडर की लेंथ है, चौड़ाई हमने 6 इंच ली। अब फीडर के नेक के लिए, हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6। चेस्ट को 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 इंच निकल के आएगा। 3 इंच हमने यहाँ पे एक निशान लिया, ये 3 इंच लिया। चौड़ाई लेने के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 12, ये हमारा 1.5 इंच आया। गले की चौड़ाई लेने के लिए 1.5 इंच पे हमने यहाँ ये निशान लगाया और ये इसको इसके साथ इस तरीके से मिला दिया। ये मिलाने के बाद यहाँ पे इस रेखा से, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे, हम यहाँ से फॉलो करेंगे, यहाँ से नीचे डाउन आएंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 12 यानी कि 1.5 इंच। 1.5 इंच हम यहाँ डाउन आएंगे, ये 1.5 इंच डाउन आए, नीचे से भी हम 1.5 इंच ऊपर आएंगे, 1.5 इंच ही हम इस रेखा को अंदर की तरफ जाएंगे। ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये आपके नीचे आए हम 1.5 इंच, इसके हम ऊपर 1.5 इंच और इधर की तरफ भी हम यहाँ 1.5 इंच आए। ये रेखा जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है, इस रेखा का हमने सेंटर किया, सेंटर करके 1 इंच अंदर की तरफ आए। यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है उसका सेंटर किया, सेंटर करके 1 इंच अंदर आए। ये हमें मार्क मिल गया इसकी सेव करने के लिए। इसको इस प्रकार हम यहाँ से उठाएंगे, ये उठा के, और आप ये जो हमारा 1.5 इंच है इससे इस तरीके से मिला देंगे। इसकी भी सेप आप यहाँ पे इसको उठा के ये इसकी सेप करते हुए इस लेंथ से इसको मिला देंगे। अब हमें इसकी सेप देनी है जो हमारे कमर की सेप है। कमर की सेप देने के लिए आप इसको यहाँ से उठाओगे इस प्रकार, और इसकी सेप देते हुए जो हम अंदर की तरफ गए हैं इसको इस तरीके से मिलाते हुए और इस लाइन से हम आके मिल जाएंगे। यहां से हमने इसकी सेप की 1.5 इंच डाउन आके, इसका सेंटर लिया, 1 इंच अंदर गए और इसकी इस तरीके से सेप करते हुए हमें यहाँ इस लाइन से आके इसको मिला देना है। ये हमारे फीडर की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई।
इसमें हमें डोरी भी लगानी होती है। डोरी लगाने के लिए यहाँ पे आप स्टेप बनाओगे, जब इसकी फिनिशिंग करोगे तो यहाँ पे आप दो स्ट्रिप लगाओगे। बांधने के लिए अब यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए फुल लेंथ हमारी है 13 इंच, ये 1 इंच हम अंदर की तरफ गए थे, चेस्ट डिवाइड बाय 12 हम डाउन आए थे, चेस्ट डिवाइड बाय 12 ही हम ऊपर की तरफ गए थे, अंदर की तरफ भी यहाँ पे हम चेस्ट डिवाइड बाय 12, ये यहां से यहां तक हमारा है 6 इंच विड्थ, ये यहां से यहां तक भी हमारी 6 इंच विड्थ है, ये यहां से यहां तक चेस्ट डिवाइड बाय 6, ये हमारा है यहां पे 3 इंच, और ये जो हमारी गले की चौड़ाई है, गले की चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच, ये हमारा बेबी फीडर बनके तैयार हुआ।